वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कॉटन सीड ऑयल बाय एक्सप्रेशन मेथड और मैकेनिकल मेथड। एक्सप्रेशन मेथड एंड मैकेनिकल मेथड बोथ आर सेम थिंग। अगर एग्ज़ाम में एक्सप्रेशन मेथड आ जाए तो फिर भी इसका आंसर यही है, और अगर एग्ज़ाम में मैकेनिकल मेथड आ जाए तो फिर भी इसका आंसर यही है। डियर स्टूडेंट्स, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि मेरे इस चैनल में आपको IMA के भी वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे, PIC के भी मिलेंगे, इसके अलावा इंडस्ट्रियल स्टिचोमेट्री के भी मिलेंगे, इसके अलावा केमिकल इंजीनियरिंग के भी मिलेंगे। मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इंशाल्लाह मेरा आपसे वादा है कि आपके एग्ज़ाम में 90% तक नंबर आसानी से आ जाएंगे। मैं जो आपको पढ़ाता हूँ उसी को बेशक अपनी वर्डिंग में लिख लें और मेरी ये डायग्राम्स ड्रा करें, इंशाल्लाह आपके बहुत अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, आप टॉपिक की तरफ आते हैं। इसके लिए जो बेसिक रॉ मटेरियल है वो कॉटन सीड है। देखें, कॉटन सीड के बाद आगे ड्रा करने के लिए रटा नहीं लगाना, आपने खुद इमेजन करना है कि कॉटन सीड में डस्ट भी होती है, उसमें दरख्तों के पत्ते भी होते हैं। तो सबसे पहले इसको प्रोसेस करने से पहले ज़रूरी है कि हम इस कॉटन सीड्स की क्लीनिंग की जाए। क्लीनिंग करने के लिए कॉटन सीड को किस में लेके आते हैं? स्क्रीनिंग सेक्शन में लेके आते हैं। क्लीनिंग किस मेथड से करते हैं? एस्पायरेशन के मेथड से करते हैं। एस्पायरेशन क्या होती है? एस्पायरेशन का मतलब है कि बहुत ज़्यादा प्रेशर से एयर दाखिल की जाती है। एयर इन कॉटन सीड्स में मौजूद डस्ट और हल वगैरह को रिमूव कर देती है। स्क्रीनिंग के बाद जो हमें सीड हासिल होते हैं वो काफ़ी हद तक डस्ट से पाक होते हैं। देखें, इसके बाद आगे भी रट्टा नहीं लगाना, हमने ऑयल की मैन्युफैक्चरिंग करनी है। ऑयल की मैन्युफैक्चरिंग के लिए हमें सीड चाहिए। सीड के ऊपर जो कॉटन लगी हुई है वो हमारी ज़रूरत नहीं है। तो अगला ऑपरेशन क्या होना चाहिए? इस सीड में से कॉटन को रिमूव करना चाहिए। तो रिमूव करने के लिए किस सेक्शन में लेके आते हैं? लिंटिंग सेक्शन में लेके आते हैं। लिंटिंग सेक्शन में क्या होता है? लिंटिंग मशीन्स लगी हुई होती हैं। इन मशीन्स का क्या काम है? ये मशीन कॉटन सीड के ऊपर लगी हुई कॉटन को अलहदा कर देती हैं और हल को अलहदा कर देती हैं। जब सीड से कॉटन अलहदा हो जाती है तो सीड का कलर ब्लैक हो जाता है, उस सीड को ब्लैक सीड कहते हैं। लिंटिंग सेक्शन से हमें दो प्रोडक्ट्स हासिल हो रही हैं, एक ब्लैक सीड हासिल हो रहा है और दूसरा कॉटन हासिल हो रही है। ये वो कॉटन है जो कि सीड से अलहदा हुई है। देखें, यहाँ पर भी रटा लगाने की ज़रूरत नहीं है, ये कॉटन हमारा बाय प्रोडक्ट है। इसको स्टोर करने से पहले ज़रूरी है कि इस कॉटन को साफ़ किया जाए। साफ़ करने के लिए किस सेक्शन में लेके आते हैं? क्लीनिंग सेक्शन में लेके आते हैं। क्लीनिंग सेक्शन में काम क्या होता है? इस कॉटन से डस्ट को अलहदा किया जाता है। डस्ट को किस मेथड से अलहदा किया जाता है? एस्पायरेशन मेथड से। एस्पायरेशन का मतलब है प्रेशर से एयर दाखिल की जाती है। इस एयर का ये काम है कि ये इस कॉटन में मौजूद डस्ट को रिमूव कर देती है। उसके बाद ये जो कॉटन हासिल होती है इसको की बेल्स बना ली जाती हैं। ये इस इंडस्ट्री का पहला बाय प्रोडक्ट है। इस कॉटन को एक्सक्लूसिव इंडस्ट्री में एक्सक्लूसिव मैन्युफैक्चरिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। गन कॉटन मैन्युफैक्चरिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ये भी एक एक्सक्लूसिव है। फाइबर इंडस्ट्री में इस्तेमाल किया जाता है। लिंटिंग सेक्शन से दूसरा हमें प्रोडक्ट मिला था ब्लैक सीड। यहाँ भी रट्टा नहीं लगाना, देखें ऑयल बनाने के लिए जो सीड के ऊपर छिलका है उसकी ज़रूरत नहीं होती। अगला ऑपरेशन कौन सा होना चाहिए? इस ब्लैक सीड में से इसके ऊपर जो हल है, जो छिलका है, उसको अलहदा करना चाहिए। उसको अलहदा करने के लिए किस सेक्शन में लेके आते हैं? डी हलिंग सेक्शन में। डी का मतलब निकालना, हल का मतलब छिलका। इस सेक्शन में सीड के ऊपर जो ब्लैक कलर का छिलका है उसको अलहदा किया जाता है। देखें, यहाँ भी रट्टा नहीं लगाना, आगे क्या ड्रा करना है सोचना है। देखें, ये जो हल रिमूव करने से जो सीड हासिल हुआ है उसको मीट कहते हैं। ये मीट हमारी ज़रूरत है, हल हमारी ज़रूरत नहीं है। तो आगे क्या होना चाहिए कि हल को रिमूव कर लेना चाहिए और मीट को अलहदा कर लेना चाहिए। तो आगे किस सेक्शन में लेके आते हैं? स्क्रीनिंग में लेके आते हैं।
स्क्रीनिंग में काम क्या होता है, ये जो मीट है इसमें से हल को अलग किया जाता है। कैसे किया जाता है? एस्पायरेशन से। एस्पायरेशन का मतलब है कि प्रेशर से एयर दाखिल की जाती है, ये एयर इस मीट में मौजूद हल को अलग कर देती है। उसके बाद आगे इसको किस में लेके आते हैं? बीटर में लेके आते हैं। देखें, अब मीट हमारे पास आ गया है ना, उस मीट से एल को निकालना है। जितना उसका सरफेस एरिया कम होगा इतना उसमें से एल को निकालना आसान होगा, और इतना ही उस एल में से, उस सीड में से एल को रिकवर करने पर कम एक्सपेंस यूज़ होंगे। तो इस पर्पस के लिए ये जो मीट है इसको बीटर में लेके आते हैं, और बीटर में इसके क्या बना लिए जाते हैं? फ्लैक्स बना लिए जाते हैं। उन फ्लैक्स का क्या साइज़ होता है? 0.25 mm से लेकर 0.35 mm तक साइज़ के फ्लैक्स बना लिए जाते हैं। उन फ्लैक्स को स्टोर कर लिया जाता है। स्टोर करने के बाद उनको किससे गुजारते हैं? रोलर से गुजारते हैं। रोलर से क्यों गुजारते हैं? रोलर से इसलिए गुजारते हैं कि जब उन फ्लैक्स के ऊपर प्रेशर अप्लाई होता है तो उनमें मौजूद ऑयल लूज़ हो जाता है और उसको निकालना आसान होता है। उसके बाद उनको फ्लैकर से गुजारा जाता है, मज़ीद छोटे छोटे फ्लैक्स बनाए जाते हैं। उसके बाद इन फ्लैक्स की कंडीशनिंग एंड कुकिंग की जाती है। कंडीशनिंग एंड कुकिंग दोनों सेम थिंग्स हैं। 110 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर कंडीशनिंग और कुकिंग की जाती है। इसका ये पर्पज़ है कि जब हम 110 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर इन फ्लैक्स को हीट करते हैं तो इनमें मौजूद ऑयल लूज़ हो जाता है, उसको निकालना आसान हो जाता है। उसके बाद कुकिंग के बाद इन फ्लैक्स को एक्सपेलर में लेके आते हैं। एक्सपेलर की मदद से ऑयल निकालते हैं, यहाँ से कुछ ऑयल हासिल हो जाता है। अच्छा, कुछ ऐसा भी मटेरियल बच जाता है जिससे ऑयल हासिल नहीं होता, उस मटेरियल को स्क्रू प्रेस में लेके आते हैं और उसके ऊपर 12 MPa प्रेशर अप्लाई करते हैं। जब इतना इसके ऊपर प्रेशर पड़ता है तो उसमें से ऑयल लूज़ हो जाता है, निकल आता है। ये जो एक्सपेलर और स्क्रू प्रेस से ऑयल हासिल हुआ था इसको आगे स्क्रीनिंग सेक्शन में लेके आ जाते हैं। यहाँ स्क्रू प्रेस से कुछ ऐसा मटेरियल बच जाता है, वो एक केक की शक्ल में होता है, उसको ऑयल केक कहते हैं। ये भी इस इंडस्ट्री का बाय प्रोडक्ट है। इसमें 17 से लेकर 20% ऑयल होता है, लेकिन मैकेनिकल मेथड से ये जो केक है इसमें मौजूद ऑयल को हासिल नहीं किया जा सकता, यही इसका ड्रॉबैक है। ये भी इसका बाय प्रोडक्ट है। ये जो एक्सपेलर और स्क्रू प्रेस से ऑयल हासिल हुआ है इसको स्क्रीनिंग सेक्शन में लेके आते हैं, इसकी सफाई करते हैं। उसके बाद कूलर से गुजार कर इसको ठंडा कर लिया जाता है, और फिल्टर से गुजार कर इसमें मौजूद इम्प्योरिटीज़ को अलहदा कर लिया जाता है। उसके बाद इसको ऑयल रिफाइनरी के अंदर भेज दिया जाता है जहाँ पर इसकी प्रोसेसिंग होती है। ये जो मैकेनिकल मेथड या एक्सप्रेशन मेथड है इससे तकरीबन 74% तक ऑयल हासिल हो जाता है, इससे ज़्यादा इस मेथड से ऑयल हासिल नहीं हो सकता। और इसका ड्रॉबैक ये है कि एक्सपेलिंग और प्रेसिंग से जो केक हासिल होता है उसमें तकरीबन 17% से लेकर 20% तक ऑयल बच जाता है। मैकेनिकल मेथड से इस केक में से ये ऑयल हासिल नहीं हो सकता। डियर स्टूडेंट्स, इसको स्टडी करना है, इसमें जिस चीज़ की समझ ना आए कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछना है। अल्लाह हाफिज़।